हम एयरपोर्ट आ चुके हैं, हमारी फ्लाइट की टिकट नहीं आई अभी तक। चलते रहिए यहाँ, खाना खाएंगे एक रुपए में। पावर बैंक बताना है। स्टेशन पीतमपुरा है। नहीं भाई, बाली यहाँ नहीं करनी, यहाँ नहीं, बाथरूम में। और आर ओ जी एल आई के बारे में बोल रहे भाई साहब, क्या रिव्यू कब आएगा? एक यहाँ पे सॉल्टी है, पता नहीं कौन सी मुर्गी का अंडा है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। तो भाई हम जा रहे हैं ताइवान कॉम्प्यूटेक्स इवेंट टाइपाई, और भाई ब्लॉग ना बड़ा रैंडम सा है ये। पहले मैं सोच रहा था कि शुरू से बनाऊंगा, लेकिन मेरा ना वीजा ही नहीं लग रहा था, वीजा लगने में इतना टाइम लग गया। आई मीन मेरा पहले लग गया था। इन भाई साहब का पहले लग गया था, हमारा थोड़ा लेट लगा। तो अब हमारा वीजा लग चुका है और अब चेकआउट करके सीधा एयरपोर्ट जा रहे हैं। हम लेट हो रहे हैं तो सारी चीजें दिखाएंगे आपको। जस्ट अभी पहुंचे हैं बीजे। अच्छा, वीजे पहुंच गए भाई। यहाँ पे चल रही है पैकिंग। और बाली भाई साहब, कैसा लग रहा है आपका पहला फॉरेन ट्रिप? अच्छा भाई साहब, चलता हूँ, पहली फुर्सत में निकल। क्या पूछ रहे हो सर? बेटा 5G हो जा, 5G बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया में। कॉलिंग करती हेलो, मैं तुझे ही फोन मिला दिया। कोई सेंसेस बात? हम एयरपोर्ट आ चुके हैं, हमारी फ्लाइट की टिकट नहीं आई अभी तक। क्या हम बहुत ज्यादा दंग लग रहा है जिंदगी में। क्या पाएंगे? एंड टाइम पे तो वीजा लगाया ना, टिकटें अब बुक हो रही हैं, पता नहीं कब बुक होंगी। वो कह रहा है अपडेटिंग ऑन द टिकट्स। बाय, चलते रहिए यहाँ। भाई वीजे लग गए थोड़े, बिल्कुल वीजे लग गए। कनाडा कनाडा में जाना। सर ये इन्होंने पासवर्ड आईडी दिया कोई? अच्छा, वाईफाई चला लो अगर तू समझा। हाँ नहीं तू समझा नहीं। चले में गए ये चॉकलेट्स ट्रैवल करते हैं। ब्लड शुगर कम हो जाती है ना, तो चॉकलेट्स बहुत जरूरी है, ड्यूटी फ्री से सस्ती मिल जाती है। लॉन्च में जाएंगे, खाना खाएंगे एक रुपए में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। भाजी ये 1 किलोमीटर जो हम भागे हैं, इसका रीजन क्या था? फ्री का खाना खाने के चक्कर से हम ये फ्री का खाना खाने के चक्कर में लेट हो गया और इतनी तेज भागा, इसका आधा किलो वजन कम। आधा किलो अरे क्राई, बड़ी वाटर वाली स्विचिंग पॉइंट। यार पावर बैंक नहीं मिल रहा, ये देखियो पूरा गैजेट ही गैजेट है इसके अंदर सारा। तो पावर बैंक नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया। यार हमें खिड़की वाली सीट तो दी नहीं यार, तो जैसे चाइनीज फोन चलते थे पहले। अच्छा चाइना ही तो जा रहे हम। गजब बेइज्जती भाई। इसके अंदर अभी एक चीज नोटिस, यहाँ पे भाई गेम भी दे रखे के बहुत सारे। अब फ्लाइटों में चलेगी गेम, लेकिन अपना जुगाड़ साथ में लेके चलते हैं। हम अपना निंटेंडो स्विच साथ लेके आए, इसमें खेलेंगे मारियो, वो भी डबल प्लेयर। ये देखो यहाँ पे हमें पहुंचना है हांगकांग, और ये हमारी फ्लाइट है। और यहाँ पे ना 3D व्यू वाला ऑप्शन भी है। इस वाले व्यू में ना ये दिख जाता है हमारी फ्लाइट कहाँ पे खड़ी है। मैंने ढूंढा है। व्हाट आर यू ईटिंग ब्रो? भाई इन्होंने खाना दिया जिसके अंदर एक केक है, एक में शायद दही है शायद खट्टी वाली, तू समझा। ये दिए भाई साहब फ्रूट काट के, देख रहे एकदम अंग्रेज वाले। और खाने में दिया इन्होंने पनीर चावल और साथ में बीन्स की सब्जी। भाई इतनी भाई आता ना टेस्ट में, टेस्ट ही नहीं है कोई भाई यार, तो क्या ही होगी। पर कोई नहीं, काम चलाना पड़ेगा। तो सर कैसा लग रहा है भाई ये खाना? खाया नहीं जा रहा, चिकन कच्चा है ये, पता नहीं क्या दे दिया, पता नहीं कौन सा तैरता जानवर पकड़ा दिया चाइनीज एयरलाइन। भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं हांगकांग एयरपोर्ट, और यहाँ पे बज रहे हैं अभी 7:17, तो इंडिया में हो रहे होंगे 5 बजे के आसपास। 2.5 घंटे आगे चल रहे हैं हम, पूरी तेज 6 घंटे की फ्लाइट थी भाई साहब, मजा आ गया। तो अब हम यहाँ से एक और फ्लाइट कनेक्ट करेंगे जिससे हम ताइपे जाएंगे, जहाँ पे हमारा एक्चुअल इवेंट है। बट अभी हमारा 3 घंटे का ले हो रहा है। हाँ 3 घंटे का ले हो रहा है, जिसमें हमारे को जाना है उस गेट तक जहाँ पे हमारी दूसरी फ्लाइट है, जिसके अंदर सारा सिक्योरिटी चेक इन सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब हमारी ट्रेन आने वाली है। हमारी स्टेशन पीतमपुरा है। मैंने उससे बोला जाना गया करी हूँ शंफा आयो भाई, ऐसा मत करिए हमारे को भी पकड़ के। गुलाब भी तक किया। I feel good,
you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. नहीं नहीं भाई बाली यहाँ नहीं करनी, यहाँ नहीं, बाथरूम में। क्या करने बैठ रहा था तू? अच्छा लेस बांध रहा था यार। हम सोचे भैया पटरी है। तो भाई पहुंच चुके हैं हम ताइपे यानी कि ताइवान। और भाई सिर इतनी जोर से दर्द हो रहा है ना, जेट लैग हो चुका है और नींद आ रही है दबा के। हाँ भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? नींद आ रही है भाई साहब, तकिया भी नहीं उतारा बेचारे ने। एक तो हम पहली एक दिन लेट चल रहे हैं क्योंकि हमारे को एक्चुअली कल पहुंच जाना था लेकिन वीजा के चक्कर में आज पहुंचे हैं। और बस अभी जाते ही हमारे को सीधा का सीधा लॉन्च इवेंट पे जाना है। MSI का कोई लैपटॉप का लॉन्च इवेंट है, मतलब 1 बजे है वो। अभी 12 बजे पहुंचा हूँ जिसमें मुझे होटल भी पहुंचना है, मुझे लगेज भी लेना है, मुझे तैयार भी होना है। मेरा पैर फंस गया। तभी कह रहा था फटाफट चल लो, तुम तो खराटे मार रहे थे। इमिग्रेशन है भाई ये। भाई व्लॉग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि आए तैयार हुए सीधा MSI के उसमें लॉन्च इवेंट में गए जिसका हम व्लॉग डालेंगे अलग से या वीडियो डालेंगे चैनल पे, तो उसमें देख लेना। मैं इससे कवर नहीं कर रहा क्योंकि हमारे को और शूट भी करने थे। तो अभी हम जरा ये बुका घूम रहा है, कह रहा थोड़ी देर में मौत है मेरी। तो अभी हम जरा बाहर आए हैं, यहाँ पे MSI का ना बड़ा सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव स्टोर है, फ्लैगशिप स्टोर। तो मैंने कहा आओ जरा एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे ये सिन ट्रेंड। क्या बोला तूने? ये जो सिन ट्रेंड है ना, यहाँ पे सारा टेक ही टेक है। यहाँ पे रियलमी का स्टोर है, उधर डेल का स्टोर है, यहाँ पे सोनी है, इधर HP है, उधर MSI है। लो भाई साहब आर्टिस्ट बन गए यहाँ पे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट भी है और इधर एसर भी है। अरे भाई साहब, तो भाई ये है MSI का सबसे तगड़ा स्टोर। मतलब यहाँ पे है ना MSI का हर एक आर्टिकल है, हर एक लैपटॉप है, हर एक कीबोर्ड माउस, मतलब हर एक यूनिट है इनके पास। बाकी तो भाई साहब अब मैं एक एक चीज दिखाने लगूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यहाँ तो ऐसा लग रहा है बोरी लगा के सब कुछ इसमें भर लूं। ये देखो प्रोफेशनल ब्लॉगर्स भाई साहब। ए भाई साहब बीरोल चल रहे हैं। ये देख हमारे वाला मॉनिटर जो हम यूज कर रहे हैं। और गुडीज देखो यार यहाँ पे क्या ही प्यारे लग रहे हैं। ये सेल के लिए है, पूछो। ये उठा ले। हाय हाय हाय, दिला दो मुझे ये दिला दो। लगेज की जगह है भाई साहब। एक तो तेरा वजन नहीं झेला जा रहा, गजब बेइज्जती है। और उसका गुड्डा देखो भाई, ये क्या तगड़ा लग रहा है यार। बाली इस पे बैठ के फोटो खिंचा ले। कौन गया लोगों से कुछ और मिल गया वहां पे। अब ये छेड़ना शुरू कर देगा। ये ऐसे ही है। ओहो उधर कोने में लिनोवो भी है भैया, और वहां पर ओप्पो भी है। मैंने भी सोच ही रहा था कि सब मिल गया, रेजर का स्टोर नहीं मिला। और का स्टोर देखो यहाँ क्या ही जबरदस्त वाइब है भाई साहब। भाई इंडिया में इतना नहीं बिकता रेजर, लेकिन भाई स्टोर देखो यार इनका, मतलब हाँ ये लड़कियां यूज करती है, फीमेल स्ट्रीमर्स। भाई रेजर के लैपटॉप्स क्या प्यारे लगते हैं यार, इनका फॉर्म फैक्टर, इनकी लुक एंड फील इतनी बढ़िया है। पता नहीं इंडिया में कब ऑफिशियली आने शुरू होंगे भाई सारी चीजें। एक तरफ ROG का स्टोर और भाई यहाँ की जो वाइब है फुल गेमिंग वाइब बना रखी है इन्होंने। और ROG Li के बारे में बोल रहे भाई साहब कि भैया रिव्यू कब आएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत इसको चला के देखा था, और जब ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो जाएगा या फिर अगर इंपोर्टेड वाला आता है जैसे हम हमेशा करते हैं तो भाई रिव्यू करेंगे। बस इन्होंने ये लगा दिया अपना चिपकने वाला सिस्टम, नहीं तो ले गए अभी भाग जाते। तो यहीं से खरीद लो ना। पूछे कितने का है? ये है ROG Li का फुल पोटेंशियल। यहाँ पे इन्होंने ग्राफिक कार्ड लगा रखा है जो रॉक फ्लो के साथ हमने रिव्यू नहीं करा था, उसके साथ लगा गया। फुल PC पे सेटअप और PC लेवल गेमिंग। भाई साहब खेल दो फटाफट जो जो खेलना आपको, जल्दी मैं जा रहा हूँ वरना माउस ही नहीं चल रहा। तेरी किस्मत अच्छी नहीं है, बंद कर दे से। बस आप खरीद के करेंगे। और खरीदने से आदा मैंने अभी पूछ रहा था इनसे कि स्टॉक में है, बस इनके पास स्टॉक में नहीं है, वरना मैं अभी खरीद लेता रिव्यू करने के लिए। वो कह रहे अभी लॉन्च ही नहीं हुआ, यहाँ पे लॉन्च होगा तो सेल्स यूनिट आएगी, तो जब यहाँ पे सेल्स यूनिट आ जाएगी तो इंपोर्टेड वाली फिर इंडिया में भी आ जाएगी, कर देंगे रिव्यू। एंड हियर आर दी लैपटॉप्स। और ROG में तो भाई साहब लाइटों वाली बातचीत है, हर चीज में लाइटें। यहाँ देखो स्टोर में भी लाइटें। तो घूम के गए थक, अब जा रहे हैं खाना खाने। और भाई खाने का इतना तगड़ा सीन है ना, कुछ मिलता ही नहीं है वेज में ना। और अनसर्ट नॉन वेज है यहाँ पे, मतलब चिकन तो नॉर्मल है, चिकन तो वेज मान रहे, चिकन अंडा इनके लिए सब वेज है। यहाँ पे कहते भाई साहब बीफ पोर्क और पता नहीं मुर्गा, कोई भी चलता फिरता जानवर आपकी प्लेट पे हो सकता है। हाँ कुत्ता बिल्ली सब भाई साहब कह रहे मैं हूँ। तो भाई सिटी की वाइब बहुत बढ़िया, आप देख सकते हो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में ना एक बढ़िया एंड्रॉइड अपडेट दे दिया और थोड़ी सी व्हीकल कम कर दी हो, तो वाइब है जबरदस्त। भाई कल रात इतना थक गए थे,
अभी जाके ब्रेकफास्ट करने आए थे बट कर नहीं पाए क्योंकि आप श्रेड पोक एक यहाँ पे सॉल्टी है, पता नहीं कौन सी मुर्गी का अंडा है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। उसके अलावा यहाँ पे वेज के नाम पे भाई कुछ नहीं है, वेज के नाम पे पत्ते पड़े हुए फ्राइड वेजिटेबल, उसमें भी तेल तैर रहा भाई ऊपर को, हमारे बस का ना हुआ कुछ भी। मैं तो एक गिलास जूस पिया बस, उसके बाद मेरा हो गया। यहाँ पे वेज के नाम पे मतलब इंडिया से कोई भी आ रहा है अगर ताइवान तो सोच लेना अपना थैला भर के लाना खाने का। अली सर कैसा लग रहा है खा के? कौन-कौन से जानवर देख रहे हैं? बाली बेचारा ब्रेड ऑमलेट लिया, वो भी इससे बेचारे से ढंग से खाया नहीं गया, हाफ फ्राई में इसने अंडा खोल दिया इसका पूरा का पूरा। तो मुझे कौन सा अच्छा लगा था, ये पड़ा मेरा आधा यहाँ पे भाई, मूड खराब हो गया खा के। जूस का गिलास जो ओरिजिनल मिला मेरे को और एक्स्ट्रा फ्रूट बस, उसके अलावा कुछ नहीं भाई साहब। पता नहीं कौन सा हाँ ऑमलेट में कह रहा भाई साहब हैम डलवा लो, बीफ डलवा लो, पता नहीं क्या कह रहा था। मैंने कहा सॉरी, अब मैं रूम पे जाऊंगा अपनी मैगी बनाऊंगा, कप मैगी। और भाई एमएसआई ने ना हमारे को कुछ ये गुडी बैग से दिया था, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर। लो भाई साहब लग्जरी गेमिंग एक्सपीरियंस टेल 16, चलो ये बाद में पढ़ेंगे। एक माउस पैड, एक फोन होल्डर वाली रिंग है, अरे खुलवाइए बाली यार। ओहो माउस EMG, इसमें गाड़ी दौड़ेगी थोड़ी देर में देखी तो भी। एक ये लक्की फिगर भी है, ये खोलिए जरा, ये रहा MSI का ड्रैगन, उड़ा जा रहा भाई साहब देखो। ट्रू गेमिंग, सच्चे गेमर तो भाई साहब यही है, शक्ल देखो ट्रू गेमर।